खुश आमदीद आप सबको। तो आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी वो है तवा चिकन की रेसिपी। तो इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, बोनलेस चिकन ले लेनी है, क्यूब्स की सूरत में काट लेनी है अपने, 2 टीस्पून ऑयल डाल लेना है, और इसमें डलेगा क्या, नमक, धाड़ा मिर्च और तिक्का मसाला और गार्लिक पाउडर। बस इसको अच्छा सा आपने तैयार कर लेना है, जैसे ये मैंने कर लिया। और उसके बाद आपने शिमला मिर्च जो है वो बारीक काट लेनी है, ब्लैक ऑलिव्स हैं, एक मीडियम साइज का प्याज है, और डो मैंने पहले से तैयार की हुई थी। डो की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तवे के ऊपर हमने रख दिया इसको, डो को। पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है इस पे, और अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। चेडर और मोज़रेला चीज़ हमने दोनों एक साथ मिक्स करके डाल दी हैं। उस पे हम जो चिकन तैयार कर ली थी अपनी वो अच्छी सी स्प्रेड कर देंगे। देन उसके बाद हम इस पे कटी हुई जो अनियन थी वो डाल लेंगे, शिमला मिर्च भी जो कटी हुई थी वो भी हम डाल लेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम एक चीज़ की लेयर लगा देंगे दोबारा से। और जो हमारे पास थे ब्लैक कलर में ऑलिव्स, चीज़ के बाद हम वो जो ब्लैक कलर के ऑलिव्स हैं वो एंड में इसके ऊपर लगाएंगे हम। ये जैसे मैं रख रही हूँ, उसके बाद आपने इसमें करना है ऑरिगैनो ले लेना है, ऑरिगैनो आप इस पे डाल दीजिए थोड़ा सा, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इससे। और फिर आपने जो है, आपकी अपनी चॉइस है, अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें ऊपर चिली फ्लेक्स। अब ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर प्री हीट कर लेंगे, 8 से 10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑन रखा था मैंने, और प्री हीट कर लिया हुआ था मैंने तवा को ऊपर से ढाँप के। तो अब हम दोबारा से ऊपर से ढाँप देंगे पिज़्ज़ा को एक ढक्कन की मदद से। ये हम 8 से 10 मिनट रखेंगे इसको, तो ये बहुत अच्छा सा तवा चिकन रेडी हो जाएगा। ये जैसा कि ये देखें, ये कितनी अच्छी शक्ल आई है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक बगैर ओवन के ये अच्छा सा एक पिज़्ज़ा आपके सामने तैयार हो गया है। ओवन होना लाजमी नहीं, तवे पे भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो ये देखें बगैर ओवन के कितना अच्छा पिज़्ज़ा आपके सामने तैयार है। तो अभी हम इसको करेंगे पिज़्ज़ा कटर से कट। तो देखें इसकी खूबसूरती, और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, और ये मैं आपके सामने कट करके उठाने लगी तो देखे चीज़ की कितनी अच्छी सी इसमें आई है, रेशे से बने हुए हैं चीज़ के। तो बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेंगी।